अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है गार्लिक मशरूम। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर मैंने मशरूम लिया है 500 ग्राम्स, गार्लिक लिया है 26 क्लव्स चॉप्ड, ऑनियन लिया है 1 मीडियम चॉप्ड, कैप्सिकम 1 मीडियम चॉप्ड, कोरिएंडर 1/4 कप चॉप्ड। फिर मैंने यहाँ पर लिया है विनीगर, विनीगर मैंने 1 टेबल स्पून इस्तेमाल किया है। रेड चिली पाउडर मैंने लिया है 1/4 टीस्पून। सॉल्ट मैंने लिया है एज पर टेस्ट। ब्लैक पेपर पाउडर मैंने लिया है 1/4 टीस्पून। और मैंने घी का इस्तेमाल किया है 5 टेबलस्पून। मैंने यहाँ पर कढ़ाई में घी डाला है। अगर आपको चाहिए तो आप बटर भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप बटर इस्तेमाल कर रहे हो तकरीबन 50 ग्राम्स आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर मैंने 5 टेबलस्पून घी का इस्तेमाल किया है। आपको जो फ्लेम है वो मीडियम लो में रखना है हीट, एंड देन इसके बाद में अपना गार्लिक जो मैंने चॉप किया था वो मैं डालूंगी। और आपको इसको अच्छे से सॉटे करना है जब तक इसका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। ये इतना टेस्टी बनता है, इतना इजी और इतना टेस्टी है कि किसी को भी पसंद आ जाएगा ये डिश। अब देखिए मेरे गार्लिक का जो कलर है हल्का सा चेंज हो गया है। तो अब जो है इसमें मैं ऑनियंस डालूंगी जो मैंने चॉप करके रखा हुआ था। ऑनियंस को आपको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। ऑनियंस को भी आप हल्का, जब तक ये सॉफ्ट नहीं होते तब तक आपको उसको सॉटे करना है। जैसे आपके ऑनियंस थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे आपको बाकी के जो इन्ग्रीडियंट्स हैं फिर उसमें डालने हैं। अब मैं इसमें अपना चॉप्ड किया हुआ कैप्सिकम डालूंगी। और कैप्सिकम को भी आपको ज़्यादा नहीं कुक करना है, इसको थोड़ा सा क्रंचीनेस होना चाहिए। इसमें आप बस हल्के से इसको सौते करेंगे। एक बार अच्छे से आप इसमें मिक्स कर लें पूरा, उसके बाद में आपको जो आपके बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं आपको वो डालने हैं। अब मैं इसमें अपने चॉप किए हुए मशरूम्स डालूंगी। अगर आप चाहते हैं तो आप अपने मशरूम्स को थोड़ा सा बड़ा भी रख सकते हैं, यानी कि आप उसको हाफ़ करके भी डाल सकते हैं। एंड क्योंकि कभी किसी किसी को पसंद नहीं आता हाफ़ मशरूम्स, तो मैंने हमारे यहाँ पर ऐसे ही हम खाते हैं मशरूम्स स्लाइस किया हुआ, तो मैंने इसलिए स्लाइस ही प्रेफर किया है। मशरूम को आप अच्छे से बाकी के इन्ग्रीडियंट्स के साथ मिक्स कर लीजिए। ये आपको तब तक कुक करना है जब तक ये हाफ कुक नहीं होता मशरूम। अब मैं इसमें सारे जो मसाले हैं वो डालूंगी, रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर एंड नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1/4 टीस्पून इस्तेमाल किया है। एंड अब फिर इसके बाद आपको अच्छे से इसको मिक्स करना है। अब यहाँ पर आपको जो चॉप किए हुए कोरिएंडर लीव्स से आपको वो डालना है। आप थोड़ा सा अभी डालेंगे एंड थोड़ा सा आप बाद में फिर गार्निशिंग के लिए रखेंगे। मैंने इसमें भी थोड़ा सी डाले। मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून ऑफ विनीगर डाला है एंड इसे हल्का सा फिर मैंने इसे मिक्स किया है। इसे आप बस 1 मिनट के लिए कुक करेंगे, उसके बाद आप अपना गैस को बंद कर लीजिए। हमारा गार्लिक मशरूम रेडी है, तो चलिए सर्व करते हैं।
ये गार्लिक मशरूम इतना इजी है रेसिपी, इसे कोई भी बना सकता है। और हमने जब बनाया था तो इसे हमने पराठे के साथ खाया था, तो इट वाज सो यम्मी और सबको इतना पसंद आया ये रेसिपी। एंड आई होप आप लोग को भी ये बहुत पसंद आएगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर आप कमेंट्स में बताइए। एंड मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड इस रेसिपी को जितना हो सके उतने आगे शेयर कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।